टिल नाउ हमारे पास वर्चुअल मशीन जो है वो कॉन्फिगर हो गई है और उसके सारे पैरामीटर्स हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। नाउ अब अगर मशीन आपने कॉन्फिगर कर दी और मशीन की कॉन्फिगरेशन के बाद आप उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ कंपोनेंट्स रिमूव करना चाहते हैं, उसकी कॉन्फिगरेशन को चेंज करना चाहते हैं, सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स चेंज नहीं हो सकते, यानी अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन के मुझे जनरेशन टाइप 2 रखनी है और आफ्टर द डिप्लॉयमेंट्स आपने कहा अब मुझे जनरेशन 1 चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आपको सिक्योरिटी के हायर ऑप्शन से कहाँ आ रहे हैं, लोअर की तरफ आ रहे हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट इसको रिकमेंड नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट क्या, दुनिया की कोई कोई भी वेंडर, कोई भी सिक्योरिटी कंपनी इसको रिकमेंड नहीं करती। तो कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं कि वो रिवर्ट नहीं हो सकती, फिर आपको वर्चुअल मशीन को डिलीट करना पड़ेगा और नए सिरे से क्रिएट करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो चेंज हो सकती हैं। सो अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है तो उस मशीन पर राइट क्लिक करें और सॉरी मशीन पर हमने राइट क्लिक किया और हमने सेटिंग के बटन पर जाकर क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया तो उसने हमसे कहा कि जी कोई नया हार्डवेयर आप ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऐड फ्रॉम हेयर, आप यहां से नया हार्डवेयर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सीडी रोम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैं एक सीडी रोम ऐड करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या किया, क्लिक ऐड, ठीक है ना। उसने मुझे कहा क्या करना है, मैंने कहा लेट्स ऐड द डीवीडी ड्राइव, मैंने ऐड किया और जैसे ही ऐड किया ये देखिएगा मेरे पास वो ड्राइव आ गई है, वो पूरी डिटेल्स जो है कंट्रोलर्स की आपको दे रहा है। मैंने अप्लाई किया, जैसे ही मैंने अप्लाई किया वो ऑप्शन मेरे पास परमानेंटली ऐड हो जाएगा। सो अगर मुझे मजीद यहाँ पर मेरे पास एक ही हार्ड डिस्क थी, अगर मुझे मजीद हार्ड डिस्क ऐड करवानी, मेरे पास एक ही नेटवर्क के डॉक्टर है, मुझे अगर मजीद नेटवर्क के डॉक्टर से ऐड करवाने हैं, तो आई कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। यहाँ पर वो चीजें सारी की सारी मैं कॉन्फिगर कर सकता हूँ। मैं यहाँ से गया और मैंने उससे कहा कि जी कोई हार्ड ड्राइव ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ से हार्ड ड्राइव क्या करवा सकता हूँ, ऐड करवा सकता हूँ। जैसे ही ऐड करूंगा तो मुझसे पूछता है कि जी कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, अगेन जैसे उसने मुझसे क्रिएशन के वक्त पूछा था यहाँ भी पूछ रहा है। सो मैं यहाँ से उसको ब्राउज करवाऊंगा और बता दूंगा कि मेरे पास जो मेरी ई पार्टीशन है, ई पार्टीशन में क्लाइंट वीएम्स में विंडोज 8 है, विंडोज 8 को आपने खोला और यहां पर आपने ओपन का बटन प्रेस कर वर्चुअल हार्ड डिस्क, ठीक है जी। और यहां से जो भी फाइल नेम मैं दूंगा वो वहां से उसको क्या करवा देगा, ऐड करवा देगा जो भी एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव मेरे पास मौजूद होगी, ठीक है जी। तो मैं यहां से उसको क्या करवा सकता हूँ, ऐड करवा सकता हूँ। अगर मुझे कोई नई ड्राइव क्रिएट करनी है देन आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, देन अगेन वो प्रोसेस चलाएगा नेक्स्ट, ठीक है जी। वो मुझसे कहता है कि जी फिक्स साइज की ड्राइव बनानी है या डायनेमिकली एक्सपेंडिंग बनानी। फिक्स साइज कर दिया तो जो भी स्टोरेज आपने उसके लिए सेलेक्ट की होगी, लेट से आपने कहा कि 100 GB, तो वो पूरी की पूरी 100 GB अपने पास क्या कर लेगा, रिजर्व कर लेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 50 GB पर इंस्टॉल्ड हुआ है, 10 GB पर इंस्टॉल्ड हुआ है, लेकिन वो अपने पास रिजर्व कितनी कर लेगा, 100 GB। डायनेमिकली जो एक्सपेंडिंग है उसके अंदर ऑप्शन बड़ा ही सिंपल सा है कि आपने कहा कि जी डिस्क का साइज 100 GB होना चाहिए, दैट्स फाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी कितनी स्पेस पर इंस्टॉल्ड होगा, लेट से 20 GB पर, तो 80 GB को यूज नहीं करता, वो 80 GB को रिलीज करके रखता है। बाय टाइम जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ती रहती है वो वैसे ही क्या करता है, स्पेस अपने पास लेता रहता है, ठीक है जी। और तीसरा हमारे पास डिफरेंसिंग का ऑप्शन है और नीचे मेंशन है दिस टाइप ऑफ डिस्क इज एसोसिएटेड इन पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप
with an other disk that you want to leave intact. ठीक है, ये basically तौर पर जब हम backups वगैरह के options ले रहे होते हैं या data को अपने पास store कर रहे होते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट करती है डेटा के बिहाफ पर और अपने पास डेटा को स्टोर कर रही होती है. ठीक है, हमने यहां से किया नेक्स्ट. ठीक है, अगेन वो नाम पूछेगा और उसी हिसाब से डिस्क ड्राइव को अपने पास ऐड कर देगा. मैंने कहा जी यहां पर हम इसका नाम रख देते हैं डिस्क टू. ठीक है, और लोकेशन में बताऊंगा. ठीक है, अगेन मैं गया ई पार्टीशन पर, मैंने कहा जी क्लाइंट वीएम्स. ठीक है, क्लाइंट वीएम्स के अंदर ये वाला फोल्डर और सेलेक्ट द फोल्डर. ठीक है, अब वहां पर आपको डिस्क टू के नाम से एक डिस्क बनी हुई नजर आएगी, हम उससे थोड़ी देर में वेरीफाई करते हैं. मैंने कहा जी नेक्स्ट. ठीक है, वो कहते साइज क्या रखना है. अब मैंने कहा जी साइज इज वेरी सिंपल, हम इसको 50 GB रख लेते हैं. ठीक है, नाउ हमने जैसे ही नेक्स्ट किया तो ये मेरे पास क्या करवा देगा, फिनिश करवा देगा. ठीक है जी, अब वो डिस्क देखें यहां पर मेरे पास क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है. मैंने यहां अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मैं बैक एंड पर गया और मैंने ई पार्टीशन में जाकर वेरीफाई भी किया कि ऐसा है भी या नहीं. ये देखिएगा डिस्क टू मेरे पास आ गई. ठीक, सो हम डिस्क को ऐड भी कर सकते हैं, जितना भी हार्डवेयर है उसको आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है ना, इसी तरीके से आप प्रोसेसर्स को बढ़ाना चाहते हैं. ठीक है ना, मैंने कहा जी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को जो है वो वर्चुअल प्रोसेसर्स जो है वो 4 कर दें. मैंने अप्लाई किया. ठीक है जी, हो गया. मेमोरी को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ. ये देखें हमारे पास बाकी के जो ऑप्शन है, जो वर्चुअल मशीन का नाम आप बाद में चेंज करना चाहें, आप उसका नाम क्या कर सकते हैं बाद में चेंज कर सकते हैं. इसी तरीके से जो बाकी की सेटिंग्स है वो भी आप यहां से सारी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अगर आपको कोई रिमूव करना है तो सिंपल ऑप्शंस है, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है, ना उसमें कोई रॉकेट साइंस है. आप उस कंपोनेंट पर क्लिक करें और यहां से क्या करवा दें, रिमूव करवा दें. ठीक है, यहां से मैंने रिमूव किया, वो देखें वहां पर आपको जो है वो रिमूवल का ऑप्शन नजर आ गया. मैंने अप्लाई किया, हार्ड ड्राइव मेरे पास क्या हो गई, रिमूव हो गई. मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, ओके. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर कंपोनेंट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं. आप जिस तरीके से फिजिकल मशीन पर हम काम कर रहे होते हैं कि एक हार्ड डिस्क और लाकर हमने लगा दी, एक लैन कार्ड और लाकर हमने लगा दिया, रैम उसकी बढ़ा दी, प्रोसेसर बढ़ा दिया, तो सेम लाइक हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहेव करता है. ठीक है जी, सो हम अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि इस पे हमारे पास मजीद क्या क्या कॉन्फिगरेशन मौजूद